थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो अगेन त्राया पे है, तो क्यों मैं त्राया का प्रोडक्ट यूज करना बंद किया, क्या नुकसान थे, कहीं आप भी अपने पैसे बर्बाद तो नहीं कर रहे हो त्राया पे, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। क्योंकि आज का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ भी दिखाओ कुछ भी कराओ सब लोग करने को तैयार हो जाते हैं। क्या है त्राया, मुझे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितना पैसा मैंने बर्बाद करा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी सोच रहे हो त्राया का प्रोडक्ट लेने के लिए, यूज कर रहे हो, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हर हर महादेव, हेलो होला नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और ऐसे फालतू के प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। तो भाई आज का जो मार्केट है ना, वो इतना तेजी से लोगों को गलत अनडिसेंट चीजें इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेम चीज त्राया ने किया है। छोटे मोटे कोई एक्टर पकड़ लो, कुछ ऐसी चीजों को बता दो जिससे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, उनको उस चीजों में क्लैरिटी नहीं हो, और उनको कुछ भी बेचो बाल के नाम पे, बाल उगाने के नाम पे, और लोग खरीदेंगे, उनको पता है। और हुआ भी सेम चीज है। अगर आप कोई भी चीज को रिपीट 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 चीजों को आप दिखाओगे, शायद इस वीडियो में, मेरे खुद के इस वीडियो में भी त्राया का एड आया होगा कुछ लोगों को। तो अगर आपको कुछ भी चीज रिपीटेडली दिखाई जाए, अगर आपको बोला जाए आप नेगेटिव हो नेगेटिव हो नेगेटिव हो, तो आपको एक साल बाद दो साल बाद आपको फील होने लगेगा जो मैं नेगेटिव हूं। तो सेम चीज त्राया वालों का भी मार्केट स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं कि सारे जो है सोशल मीडिया पे एड वगैरह हर जगह इनका इन्फ्लुएंस करने का यही वे है, और हर चीज को खराब बताएंगे। तो इनका सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी क्या होता है, जब प्रोडक्ट नहीं चलता है इनका, या जब इनको पता है कि ये काम नहीं करता है, तो इसको इतना इन्फ्लुएंस कराओ लोगों से, इतना इन्फ्लुएंस कराओ कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि यही बस एक है प्रोडक्ट जिससे हमें फायदा हो सकता है। अब होता है ना कि जब कोविड आया था तो एक रेमेडी सिविर करके आया था, जो भी एक मेडिसिन चला था, अगर वो मिल जाएगा तो इंसान की जान बच जाएगी। तो सेम चीज स्ट्रेटजी है जो मार्केट में लोग चलाते हैं कि बॉस आपको ये चीज कराना ही पड़ेगा तभी आप बच पाओगे। चाहे दुनिया में हजार ऑप्शन पड़े रहें, चाहे आपके पास बहुत सारे चीजें हैं, कितने डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो दवाएं बेच रहे हैं, वो काम नहीं आएगा बॉस, आपको ये प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अभी मैंने रिसेंट में ये देखा था एक आदिवासी हेयर ऑयल का, उसका भी भंडा फोड़ूंगा एक दिन, मैं प्रोडक्ट मंगाऊंगा उसको भी यूज करने के बाद मैं बताऊंगा। तो भाई तुम भी बहुत इन्फ्लुएंस करा लियो मार्केट में, बहुत लोगों को दिखा दियो, और जब तक कोई जेन्युइन बंदा यूज नहीं करेगा प्रोडक्ट को, अगर आपके पास बाल है, आपको कोई बोले भाई मेरे पास आओ मैं आपको इतना 50,000 60,000 1,00,000 2,00,000 रुपए दे रहा हूं, आप इस प्रोडक्ट को बोल दो बहुत अच्छा है, उस बंदे से क्या लेना देना भाई, उसके ना हेयर फॉल कभी हुआ जिंदगी में, और प्रॉपर टाइम पे पीआरपी ले रहा है, उसको फिट है, उसको पैसा मिल रहा है, चलो भाई मैं ये पैसा मिलेगा आदिवासी हेयर ऑयल का, मैं इसको जाके दूसरे साइड पीआरपी कराऊंगा, वो अपना बाल अपने साइड से सेफ रख रहा है। पर हो क्या रहा है, जो बीच में हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके देख के, अरे यार इसके तो बाल बहुत अच्छे हैं, इसने तो प्रोडक्ट का रिव्यू किया, ये तो बंदा जेन्युइन, इसको तो मैं सालों से देखते आया हूं, ये बोल रहा है मतलब लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही लोगों को गलत तरीके से भ्रमित करके आजकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोगों को मार्केट में ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे दिन भर हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, एड वगैरह देखते रहते हैं, उन सब में क्या होता है कि ऐसे ही आपके दिमाग को ऐसा वहम पैदा कर दिया जाता है कि बॉस नहीं यही है बेस्ट, एक बार लगा लो 10 दिन में आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, 10 दिन में आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में ऐसी बढ़ जाती है बॉस यही है बस, अब कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं त्राया के कुछ प्रोडक्ट के जो एड आते हैं इनके, मोस्टली आपने देखा होगा, एक इनका आता है कि आप मिनोक्सिडिल यूज करना है, आपको लाइफ टाइम मिनोक्सिडिल यूज करना है, जैसे आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको एक मिनोक्सिडिल आप यूज करोगे तभी आपका लाइफ लॉन्ग आपका हेयर बना रहेगा, नहीं तो हेयर चला जाएगा। बात करेक्ट है, त्राया वालों ने सही बोला है, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जो बाकी का कचरा बेच रहे हो वो किस लिए बेच रहे हो, जो नाक में डालने की दवाई डाल रहे हो, कोई बंदा चलो ठीक है हमने रिव्यू दिया है, आप एक प्रॉपर वेबसाइट सेट की हो, वेबसाइट पे आपने प्रॉपर टिक लिया कि आपका स्लीप का इशू, आपका डाइजेशन का इशू, ऑल ठीक है, जो बंदा करेक्ट भी है उसको फिर नाक का ड्रॉप देने की जरूरत क्या है, जो बंदा टाइम से सो जा रहा है, चलो एक अंकल है मान लो 45 साल की एज के अंकल है, उनका हेयर फॉल हो रहा है, उन्होंने त्राया का प्रोडक्ट मंगाया, वो बंदा टाइम से सो रहा है, अंकल जी टाइम से सो रहे हैं, अपना 9 बजे उठते हैं, 6 बजे दौड़ने चले जाते हैं, सुबह में जॉगिंग वॉकिंग कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है स्लीपिंग का, उनको प्रोडक्ट देने की क्या जरूरत है भाई। ऐसे इन्फ्लुएंस करके मार्केट में कचरा बेचने से अच्छा है कि तुम सीधा सीधा बात करो कि मेरा एक ही फोकस है मिनोक्सिडिल पे, और मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं इनका जो मिनोक्सिडिल है वो इतना घटिया मिनोक्सिडिल है कि मैं अब एक्सपीरियंस करने के बाद मैं पछता रहा हूं
कि ये मिनोक्सीडिल अगर ना मैं लगाया रहता तो मेरे शायद बाल बच जाते हैं, क्योंकि अभी जो मैं बैक टू नॉर्मल आ गया हूँ, मैं अपने पुराना मिनोक्सीडिल यूज कर रहा था, कमिंग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कौन सा यूज कर रहा हूँ, उससे मुझे अभी काफी हद तक रिकवरी मिली है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट मेरा फिर से चला गया बाल, अब नहीं वापस आने वाला। क्योंकि मैंने जब ट्राई प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दिया था तो मुझे इतना ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, मुझे ऐसा फील हुआ ये प्रोडक्ट का रिव्यू देने के चक्कर में जो एक्सपेरिमेंट किया हूं मैं अपने ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाल वापस से गायब हो जाए पूरे के पूरे। तो भाई साहब ये चीज मेरा पहला एक्सपीरियंस था त्राया प्रोडक्ट को जो छोड़ा मैंने, कि बहुत ही बुरा प्रोडक्ट है इसका मिनोक्सिडिल, तो बहुत ही घटिया मिनोक्सिडिल है। अब एक चीज और बता देता हूँ, मिनोक्सिडिल आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना है, इवन त्राया भी बोलते हैं, तो अगर आपको अपने सर पे बाल चाहिए तो आपको त्राया का मिनोक्सिडिल कभी नहीं, बाकी आपको जो भी मिनोक्सिडिल मिलता है मिनोक्सिडिल विद फेनोस्ट्राइड अगर आप यूज करते हो तो बढ़िया है, क्योंकि जो हमारे सर पे जो है ना एक लेयर बनता है डीएसटी का, उसको अगर आपको मेंटेन रखना है, उसको क्लीन करते रखना है, हमेशा साफ रखना है, ताकि आपके जो ग्रोथ है आपके रूट्स का वो होता रहे हमेशा के लिए, कभी स्टॉप ना हो, डीएसटी उसको ब्लॉक ना करे, तो आपको फेनोस्ट्राइड यूज करना पड़ेगा। अगर आप फेनोस्ट्राइड का टैबलेट फॉर्म नहीं लेते हैं, इवन मैं भी बोलूंगा कि आप ना लो, अवॉइड करो, मैं भी नहीं लेता हूं, तो आप मिनोक्सिडिल यूज करो, टॉपिकल सॉल्यूशन में फेनोस्ट्राइड आता है उसको यूज करो, मिनोक्सिडिल विद फेनोस्ट्राइड आता है वो डीएसटी ब्लॉकर होता है, तो उसको यूज करो, आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना पड़ेगा जब तक आपके सर पे डीएसटी का इफेक्ट रहेगा। वो कब तक रहेगा, ये 60-70 तक रहेगा, तो 60-70 तक आपको बचाओ, फिर आपके बाद उसके बाद पता भी नहीं कि आप रहोगे आपके बाल ना रहें, तो खैर तब तक अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो आपको मिनोक्सिडिल यूज करते रहना पड़ेगा। अब आते हैं इनके दूसरे ऐड पे, हेयर फॉल को ट्रीटमेंट की जरूरत है एक्सपेरिमेंट की नहीं, भाई साहब मैंने गलती कर दी है, ना अब मैं ट्रीटमेंट लूंगा आपसे ना मैं एक्सपेरिमेंट लूंगा, माफ करिएगा मुझे, बाल सिर्फ तेल लगाने से नहीं आएंगे। अच्छा ये एक आप समझ रहे हो, एक तेल बेचता है उससे कंपीट करने से हुआ है, तो भाई साहब आप भी तेल बेचते हो, मैं बता रहा हूं उस तेल में कंफूर है और कुछ भी नहीं है, इतना घटिया तेल है कि एक नॉर्मल कोकोनट ऑयल है उसमें कपूर डाल दिए हैं बहुत भर के, ताकि आपको जो डेंड्रफ हो वो उससे थोड़ा सा सही हो जाए, पर मैं बता रहा हूं कि उससे और जो डेंड्रफ बढ़ता है और इतना गंदा स्मेल करता है कि हेडेक हो जाता है उससे, तो वो आप ना ही यूज करें तो बेटर है। मेरे पास 5 डब्बे पड़े हैं, अगर आप रिटर्न ले सकते हो तो ले लेना भाई, प्यार नहीं हेयर लॉस पर फुल स्टॉप लगाओ, मैं प्यार पे लगा लूंगा मैं प्यार पे लगाऊंगा लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करके नहीं लूंगा भाई। और इनका एक और मैंने ऐड देखा था जिसमें हम कोच देते हैं, कोच प्रोवाइड करते हैं हेयर फॉल के लिए भी, हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी कोच प्रोवाइड करते हैं, इनके कोच के बारे में मैं बात करता हूं। पहली बात तो मैं जब भी प्रोडक्ट यूज किया हूं, मोस्टली मैं बाहर रहा हूं तो इंटरनेशनल कॉल ये कभी देते ही नहीं है, इनको मैंने 1000 बार मेल भी डाला है कि बॉस मुझे कहाँ से कोच मिलेगा, मैं इंटरनेशनली हूँ, मुझे एक बार फोन करो, तो व्हाट्सएप पे कभी कभार मैसेज एक आ जाता था, इसमें भी जब मैं इंडिया आता था जब भी मेरी इनसे बात होती तो इनका जो स्क्रिप्ट है ना भाई वो एकदम रटा रटाया लिखा हुआ है, अगर आप बोलोगे नेगेटिव वो बोलेंगे पॉजिटिव, कोई बात नहीं वो नेगेटिव रिकवर हो जाएगा, जैसे आप बोल दिए मैं यार यूज कर रहा हूं मेरा हेयरफॉल तो और गिरते जा रहा है, मतलब और मेरा हेयरफॉल बढ़ गया है, और मतलब जो पहले जो डेंस दिखती थी उससे बहुत ज्यादा कम हो गया, आप तो और गंदा दिखने लगा, नहीं 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 आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं ना तो उससे थोड़ा सा रिकवर होगा, एक महीने मेरा अच्छा आ रहा है, हाँ सर आपको यूज करना है, बस एक महीना और आप यूज करेंगे उसे और ज्यादा ग्रोथ होगी, अच्छा ये टैबलेट खा रहा हूं तो मुझे डाइजेशन का इशू हो रहा है, उल्टा जवाब, हाँ वो थोड़ा सा पहला हफ्ते आपको फील होगा क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा है टैबलेट, फिर उसके बाद हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से कंसल्ट कर लीजिए आपका, हम टैबलेट वगैरह चेक करके एक बार चेंज कर देंगे, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो डाला था मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गया था त्राया का कि लेट्स टॉक, लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग विद माय डर्मा, ऑल दिस, लेट्स डू दिस ट्रीटमेंट एंड ऑल, मैंने कहा भाई माफ करो मैं एक बार अपना सर फोड़ता हूँ, बार बार मैं जाके उसी दीवार पे सर नहीं मारता हूँ, मेरी आदत है, मैं एक बार अगर गलती से ठोकर लग गया तो मैं साइड होके चल लूंगा, मैं दोबारा जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाऊंगा कि वहां सर मारूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं बस मेरा एक ही मोटो है, एक ही मकसद है मेरी लाइफ का कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज किया हूं मैं अपने व्यूअर्स को एक हॉनेस्ट रिव्यू दे सकूं, उनको बता सकूं, अगर मैंने गलती की है तो कम से कम सामने वाला गलती को सुधार ले, वो ना करे, मेरा यही है। बाकी आप जो पैसा रखे हो रखे रहो, मेरे पास 4-5 डब्बे और हैं, तो अगर मैं इसको आप रिटर्न रिकवर ले सकते हो तो ले लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी माफ करना भाई चीन ट्राया वालों, चीन ठपाक टप टप में बोलने वाला था। एक और इनके ऐड के बारे में बात करता हूं जो कि इनका है ऐड, क्या पीआरपी रिस्की है, पीआरपी से हेयर ग्रोथ होता है या पीआरपी ऐसा वैसा, बहुत सारा कुछ इन्होंने बात किया है, मैंने देखा था एक ऐड इस पे। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, जो आप मिनोक्सिडिल आप बेच रहे हो मैं उससे पूरा रिटर्न गारंटी के साथ आपको बोलूंगा, मैंने पीआरपी लिया था इनिशियली और मैं करीब 1-1.5 साल तक पीआरपी लिया था, हर 3 महीने 4 महीने पे पीआरपी लेता था, मुझे
उसमें मैं मिनोक्सिडिल भी यूज करता था। मुझे जो रिकवरी मिली है पीआरपी से, जो बेनिफिट मिला है पीआरपी से, जो आपकी जो डेंस है, आपके जो बालों का जो थिकनेस है ना, वो इतना जबरदस्त हो गया था पीआरपी से। और उसमें हेयर फॉल मेरा 0% था, मैं बता रहा हूँ, जीरो हेयर गिरते ही नहीं थे, एक बाल भी। मैं पीआरपी कंटिन्यू रखा था, 3-4 महीने के गैप पे लेता रहता था, 3-3 महीने के गैप पे। वो पीआरपी मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। और अगर आपका मैं त्राया का जो मिनोक्सिडिल है, अगर मैं उसको लाइफ लॉन्ग भी यूज करूँ ना, तो पीआरपी का जो 3 महीने का सेशन लेता हूँ वो उसके इक्वल में आएगा। तो भाई साहब, आपका त्राया का जो मिनोक्सिडिल है वो तो बहुत ही घटिया है। तो मैं बोलूंगा, अगर आप त्राया का मिनोक्सिडिल यूज करना चाह रहे हो, 12 महीने का अगर आपका साइकिल ले रहे हो त्राया का, उससे अच्छा है कि आप 3 PRP का साइकिल ले लो। सेम कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी आता है 4-5 हज़ार का एक बॉक्स। तो आप ये जो आलतू फालतू की चीजें, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, आलतू फालतू की चीजें इनके क्या है, गट शुद्धि हाजमोला लो, या घर का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट लो। अगर बोलो तो मैं डिलीवरी करवाना शुरू कर देता हूँ, अमेजोन या कहीं पर डाल देता हूँ। मेरे घर पर मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, सुबह सुबह एक चम्मच लो, पेट बहुत अच्छा साफ होता है। उसमें हरड़ वगैरह, क्या क्या, काला नमक, सेंधा नमक, बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। वो सब चीजें बना के बॉक्स में एक रखवा लो अपने घर वालों से, उसमें जीरा, फिटकरी, जो भी है इंग्रेडिएंट वगैरह, मैं देख के, अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे इंस्टा पे, मैं वहां बता दूंगा, वो सब बना लो। बाकी इनका जो एक विटामिन था, विटामिन से अच्छा है, मैं बेस्ट बोलूंगा, कोई भी आप मल्टीविटामिन लो। मेरे पास अभी ये टाटा 1 mg मैं यूज कर रहा हूँ, उसके पहले मेरे पास ये मल्टीविटामिन था। या कोई भी आपको मल्टीविटामिन लेना ही है, तो आप कोई ऐसी प्रॉपर मल्टीविटामिन जाके या मेडिकल स्टोर से आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके मल्टीविटामिन ले लो। मल्टीविटामिन बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तब मल्टीविटामिन आप लेते रहो। बाकी जो इन्होंने ग्रिट करके कुछ था उसमें नाक में डालने वाला, उसका कोई भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को थका रहे हो, दिमाग को थका रहे हो, रात को आपको अच्छी नींद आ जानी है, नहीं भी आती है तो अगर आपको देसी घी, गाय का देसी घी मिलता है, तो उसका एक ड्रॉप अपने नाक में डालो, सोने से पहले आपको नींद अच्छी आ जाएगी। ये कुछ चीजें हैं जो होम रेमेडीज है। आपको इसको बेचने की जरूरत नहीं, आपको जुगाड़ करने की जरूरत है, आपको अपने एरिया में लेने की जरूरत है। कहीं आप जाके बॉक्स एक पैकेट खरीद के ले आके, उस पे 600-700 रुपए का पैकेज है इनका, उसको बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा बिल्कुल नहीं। आप एक ड्रॉपर लो, एक या कॉटन ले लो, आप देसी घी ले लो, नाक में डालो। और इनके पास 2-3 और प्रोडक्ट थे जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया उसमें क्या है। उसे अच्छा है, आप त्रिफला चूर्ण लो। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पे आपको जाओ, बोलो कि मुझे त्रिफला चूर्ण दे दो, त्रिफला चूर्ण दे देगा। आंवला जूस ले लो, आंवला ले लो, कैनबेरी जो बोलते हैं उसका, कैंडीज ले लो, ये सब खाओ, आपका बेस्ट है। कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं। और आजकल मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। मेरा बस 2 सेटअप है, एक है मल्टीविटामिन और दूसरा है मेरा मिनोक्सिडिल। इन दो के अलावा मैं कहीं भी अपना पैसा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, जो कि मेरा त्राया प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो हुआ था हेयर फॉल, उससे कहीं ज्यादा तक रिकवरी मिल गई। आपको दिखा देता हूँ, ये तो पूरा गायब ही हो गया था त्राया से। अभी देखो आप, यहाँ पे डेंस मेरी काफी अच्छी आने लगी है, यहाँ का जो है वो तो गायब कर ही दिया है। अगर मैं शायद त्राया नहीं यूज किया रहता, जो मिनोक्सिडिल अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसको शुरू से अगर मैं यूज किया रहता, तो मेरा यहाँ पे भी डेंस अच्छा आ जाता। और आज के टाइम में सेम सब कुछ यही कर रहा है भाई, सब ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसी आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक्टर इतने सस्ते हो गए हैं या क्या। हेयर ट्रांसप्लांट वाले के पास जाओ, उसका भी सेम फंडा आजकल यही चल रहा है। अभी कुछ लोगों का फंडा, वो भी मैं फोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं, जो सस्ते हेयर एक्टर हैं उनको पकड़ो, उनका हेयर ट्रांसप्लांट का जरूरत भी नहीं है, उनको रिकवरी मिल सकती है डर्मेटोलॉजिस्ट से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से। उनका अगर साइड का 2-4 बाल गया है ना, वहां पे 2-4 बाल सेट कर देते हैं और अपना मार्केटिंग ऐसा करेंगे कि मैं इस सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट कर, भाई साहब उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत भी नहीं थी, उसने तो बस फीलिंग करवाई है। और आप बोल रहे हो कि 6,000-7,000 ग्राफ्ट किसी का लगा के देखो, फिर समझ में आएगा आपका पूरा रिजल्ट, आपका पिक्चर जो है ना सामने आ जाएगा मार्केट में। तो आप 3,000-2,000 ग्राफ्ट, 500 के ग्राफ्ट की जगह लगा के आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा डेंसिटी दे दी हो, तो माफ करना भाई, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। और मैं यही बोलूंगा हमारे व्यूवर से, आंख खोलो, ऐसे लोगों का वीडियो देख के मत वहां जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराओ या कोई प्रोडक्ट लो जो कोई भी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा डॉक्टर अपना कोई भी सेलिब्रिटी का कर रहा है, उसको मैक्स 150-200 ग्राफ्ट की जरूरत है। आप वहां पे 2,000 ग्राफ्ट लगा रहे हो, उसकी डेंस अच्छी दिखने लग रही है, फिर आप बोलोगे कि भाई साहब मैंने इसका ट्रांसप्लांट कराया है, पूरी लाइफ आप उसका लेके एक लिस्ट बना के बोलते रहोगे अपने सारे कस्टमर से, सारे पेशेंट से, कि देखो मैंने इसका ट्रांसप्लांट करा था, इतना रिव्यू देखो, और वो थोड़ा सा वीडियो वगैरह में आ जाएगा, उसका डेंस अच्छा दिखेगा। भाई वो डेंस आप नहीं दिए हो, वो आपने बस एक फीलिंग करी है, थोड़ा बहुत रिकवरी करी है। जो भी उसका पहले से बाल था वो एग्जिस्टिंग हेयर है वहां पे,
बस आपने थोड़ा सा उसको एक सहयोग कर दिया है। तो आप उसको मत बोलो कि उसके बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट कर दियो, कोई अच्छे बंदे का जिसका पूरा बाल जा चुका है, गंजा हो चुका है, 6,000-7,000 ग्राफ्ट लगा के देखो, अगर टिक जाता है तो फिर समझ में आएगा कि उसका एक अच्छा रिव्यू है, अच्छा डॉक्टर कर रहा है ट्रीटमेंट। सेम चीज मैंने तेल वालों को भी देखा था भाई, जितने छोटे मोटे सब अंडू पांडू रंगन थे ये सब यूट्यूबर्स, वो जाके वहां पे प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आके प्रोडक्ट। कुछ सेलिब्रिटीज को मैंने देखे, मैं उनका भी प्रोडक्ट मंगाऊंगा बहुत जल्दी, उनका भी प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा। 10 दिन बोलते हैं ना, 10 दिन में हमारे मेरे पास हैं बहुत गंजे, घूमते रहते हैं भाई मेरे एरिया में, पकड़ूंगा उनको, बुलाऊंगा उनको, 10 दिन में अपने तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा, प्रॉपर डाइट दूंगा और प्रॉपर जैसा ऐसा बोला है सब कुछ करा के 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो उसका भी वीडियो में बना के आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून विद दैट। और कुछ प्रोडक्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, अगर किसी के पास है उन आदिवासी आयल वालों का प्रॉपर जेन्युइन कॉन्टेक्ट नंबर, इस वीडियो के कमेंट में आप ड्रॉप कर देना, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा, मैं उनसे प्रोडक्ट मंगा के रिव्यू करूंगा, दिखाऊंगा, लगाऊंगा जो भी मुझे मिलेगा, या फिर खुद पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और आप लोगों को दिखा के उसका भी मार्केट में ओपन करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आजकल क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर छोटे मोटे एक्टर को पकड़ते हैं, उनसे अपना प्रोडक्ट रिव्यू कराते हैं, इन्फ्लुएंस कराते हैं और ऐसे ही सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर देते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही अच्छा है, उससे चाहे कोई भी रिजल्ट आया हो चाहे ना आया हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि त्राया जो है एक पैसा बर्बाद प्रोडक्ट है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो इट्स योर लक, आप पे काम कर रहा है। पर मैंने जो भी अपने वीडियो पे कमेंट पढ़े हैं उसमें 80-90% लोगों का कमेंट यही है कि इससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है, पैसा बर्बाद हुआ है, कोई ने 2 महीना यूज किया है, कोई ने 1 साल यूज किया है, कोई ने 6 महीना यूज किया है, सबका एक ही मुझे ऑनेस्ट कमेंट मिला है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कुछ अच्छे कमेंट होंगे तो भाई या तो आपकी लक काम कर रही है या तो शायद कमेंट त्राया वालों के साथ होगा। अगर आपको आपने प्रोडक्ट यूज किया भी है, अगर आपको लगता है कि ये फर्जी है, फेक है, आपका पैसा बर्बाद हुआ है, तो आप बिल्कुल कमेंट करो, मुझे बताओ जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू जेन्युइन दो मुझे। और आजकल मैंने देखा है कि लोग वीडियो से ज्यादा कमेंट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करो, सच सच बताओ। अगर आपको कोई प्रोडक्ट है भी जो आप यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू दूं, आप मैं एक्सपेरिमेंट करके अपना खुद से एक्सपीरियंस करूं और आपको रिव्यू दूं, तो बिल्कुल आप कमेंट करो प्रोडक्ट का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। बी फिट बी एक्टिव। बाय बाय।